हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी ढाबे स्टाइल एग करी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाई है। और यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए अंडे लिए हैं, इनको मैं कट लगा दूंगी। कट लगाने से क्या होगा, जो भी फ्लेवर वगैरह होगा इसके अंदर तक जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। मैं सारे एग में इसी तरह से कट लगा देती हूँ। इसमें तंदूर वाला फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें सारे में कट लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैंने लिए है 2 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ी लहसुन की कलियाँ, 1 सूखी मिर्च, अदरक का टुकड़ा। तो इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसको कर लेते हैं मिक्स। 1 चम्मच डाला है ऑयल, और देखिए बड़ी आसानी से मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो गए हैं, अब इनको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे इन सबको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी जार में। इसका हम पेस्ट बनाएंगे, मिक्सी जार में पीस लेते हैं सभी चीज़ें एक साथ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं अंडे, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आप हमेशा घर पे ही बनाकर खाएंगे। पुराने सारे तरीके भूलने वाले हैं, इसको बना के खाने वाले हैं जब। फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लिया है प्लेट में। इसी तेल में मैं और तेल डालूंगी। देखिए तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देती हूँ 1 तेज पत्ता। जो हमने पेस्ट पीसा था ना उसको डाल देते हैं। मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करना है, बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है इन मसालों को। थोड़ा टाइम जरूर लगता है भूनने में, क्योंकि हमने इनको पीसा है ना, इसलिए अब थोड़ा टेस्टी खाने के लिए मेहनत तो करनी होती है। इनको ढक देते हैं। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसको फिर चला देते हैं। इसको ढक दें और बीच बीच में चला दें। चलाना इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उछलता है, पता चले हमारे ऊपर गिर जाए।
इसी तरह से बीच बीच में चला दीजिए और ढक दीजिए, काफ़ी जल्दी ये भुन जाएगा। इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं। 20 से काट के हरी मिर्च डालिए, जिस टाइम मैंने तेज़पत्ता डाला था ना उसी टाइम डालिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। इनको हम मिक्स कर देते हैं मसालों को, उसको फिर से ढक देती हूँ क्योंकि हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है। और ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है, भुनने लगा है काफ़ी अच्छी तरह से, ब्राउन हो गया है, ऑयल भी छोड़ दिया है। इसको एक दो मिनट और पका लेते हैं। और इसमें जो हमने एग फ्राई किए थे अंडे उनको डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बन जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर आप इसी तरह से बनाकर खाएंगे। अच्छा मैं पानी डाल देती हूँ, मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और इसको मिक्स कर देते हैं। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जिस तरह की आपको ग्रेवी चाहिए। और इसको हम ढक देते हैं, सॉरी इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला डाल दूं पहले। इसको मिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे लिए मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है, आप ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ज़रूर डालिएगा। अब इसको ढक देते हैं और यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें घी, तो घी मुझे गर्म करना है। इस तरह से अगर आप घी गर्म करके डालेंगे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और घी को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है गैस, हाँ एक बात ज़रूर है, जब आप घी डालेंगे ना उससे पहले गैस का फ्लेम बंद कर दें, जब सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाए तब, और तुरंत ही ढकना होगा। अगर बच्चे वगैरह किचन में हो ना तो उनको किचन से हटा दीजिएगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह गर्म हो गया, इसमें डाल देती हूँ। इसमें बिल्कुल तंदूर वाला फ्लेवर आने वाला है, आप बनाइएगा ज़रूर। और ये देखिए लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार, देखने में खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, धनिया, और ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।